नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सारे ने परिवार के सिलसिले में कुछ बात करने वाले हैं। अमित शाह जो कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने सीआरसी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए उन्होंने 26 मिनट के भाषण में सारा इंडिया भुगतान के बारे में एक अहम जानकारी दी, जिसके बारे में बहुत से लोगों का सवाल है कि अप्लाई करने चाहिए या नहीं। 18 जुलाई 2023 को अमित शाह ने रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके तहत कहा गया था कि सहारा की जो 4 सोसाइटीज़ हैं उनका पैसा मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा जो क्लेम करेंगे, और क्लेम करने के बाद 45 दिनों में उनका पैसा उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में चला जाएगा। अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च करने के 17 दिन बाद 112 जमाकर्ताओं के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कराने का दावा किया था, लेकिन ये पूरे देश भर में उन्होंने उन ऐसे किसी भी व्यक्ति के पैसे अमित शाह जी ने लाइव आकर कहा कि लोगों का मानना है कि सारा समूह जिन लोगों का पैसा फंसा है वो लगभग 1.50 करोड़ लोग जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किया था और उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिनमें से 2.5 लाख लोगों का वो 241 करोड़ रुपये वापस किए। पूरे देश में करोड़ों निवेशकों चाह रहे हैं कि चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कि उनका पैसा सारा इंडिया में जो फंसा हुआ है वो उनका पैसा वापस मिल सके, जबकि निवेशक और जमाकर्ता पैसा निकालना चाहते हैं, जो सारा इंडिया में यही जवाब देता है कि उनका पैसा 25,000 करोड़ सेबी के पास फंसा हुआ है। सारा का कहना है कि वह पैसे लौटाना चाहती है, लेकिन उनका पैसा मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास फंसा हुआ है। सरकार के मुताबिक से सारा इंडिया रियल इस्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19,400.87 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे, लेकिन सेबी ने सहारा के कुल 138.7 करोड़ रुपये ही लौटाए हैं। सहारा ने सेबी पर निवेशकों के रुपए रखने का आरोप लगाया है। सेबी जब उनका पैसा वापस कर देगा तो सहारा अपने जमाकर्ताओं को वो पैसा वापस कर देगा। नहीं, मिलते नहीं,